दोस्तों मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑनलाइन ही अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन किया, वो भी बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ। मुझे अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे पासबुक भी दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे यहाँ पर चेकबुक भी दिया गया, और यहाँ पर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया गया। और सबसे मजे की बात यह है कि इन सब कामों के लिए मुझे एक बार भी ब्रांच नहीं जाना पड़ा। इंस्टेंट ऑनलाइन ही हमारा अकाउंट ओपन हो गया, तुरंत मुझे अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए, और ये सब जो चेकबुक और डेबिट कार्ड है ये हमारे एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया गया। तो अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करने को सोच रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे मज़े की बात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक बार भी ब्रांच नहीं जाने पड़ेंगे। इंस्टेंट ऑनलाइन ही आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू इस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट आप ओपन कर पाएंगे। और जो भी आपका डेबिट कार्ड होगा, जो भी आपका चेकबुक होगा, जैसे आप ब्रांच में जाकर के अकाउंट ओपन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड की जाती हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप ऑनलाइन भी इस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक जो भी होते हैं वे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑनलाइन अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में ये भी जानेंगे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑनलाइन किस तरह से अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं ये तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले फैसिलिटी के बारे में जानते हैं। आपको बता दें आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑनलाइन भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर बैंकिंग के वे सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी जो ऑफलाइन ब्रांच में अकाउंट ओपन करने के बाद दी जाती है। यहाँ पर आपको पासबुक, डेबिट कार्ड और चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, SMS बैंकिंग और व्हाट्सएप बैंकिंग की भी सुविधा दी जाती है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपसे ना ही इंटरनेट बैंकिंग का कोई चार्जेस ली जाएगी और ना ही आपसे कोई मोबाइल बैंकिंग का चार्जेस ली जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको UPI की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और ये भी बिल्कुल फ्री होता है। तो आप कोई भी UPI ऐप यूज करना चाहें, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो जितने भी UPI ऐप हैं आप कोई भी UPI ऐप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको RTGS, IMPS और NEFT फंड ट्रांसफर की भी सुविधा दी जाती है। साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको क्रेडिट कार्ड की भी ऑफर प्रोवाइड करती है। अगर आपको इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड की नीड हो तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफ़ी इजी स्टेप फॉलो करके अपना क्रेडिट कार्ड आप बनवा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका अकाउंट नहीं है या फिर आप अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इस बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो क्रेडिट कार्ड लेने का प्रोसेस है, आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी लोन की रिक्वायर्ड हो, जैसे कि एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफी इजी स्टेप फॉलो करके और काफी कम इंटरेस्ट रेट के साथ अपना लोन ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट सेक्टर का टॉप क्लास बैंक है और इसके बावजूद भी ये बैंक आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आपको एक बार भी ब्रांच नहीं जाने पड़ते हैं, ना ही KYC कंप्लीट करने के लिए, तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही मिल जाते हैं और आप अपने अकाउंट का यूज इंस्टेंट कर सकते हैं। साथ में ये बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आप इस बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस के साथ भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में यहाँ पर आपको ईमेल स्टेटमेंट की भी सुविधा दी जाती है। जो भी आपके मंथली ट्रांजेक्शन के स्टेटमेंट होते हैं वे आपको हर महीने ईमेल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। SMS अलर्ट की आपको सुविधा दी जाती है। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर बैंकिंग के सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। जो भी इंपोर्टेंट फैसिलिटी थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया।
चलिए अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आप किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑनलाइन अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो योनो SBI मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसे आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आपको योनो SBI ये जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करते ही यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, जैसे कि लोकेशन का, माइक्रोफोन का, कॉन्टैक्ट का, तो आप यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में आपको एक ओपन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आएगा। अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर ओपन सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। पहला आएगा विदाउट ब्रांच विजिट और दूसरा आएगा विथ ब्रांच विजिट। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए, आपको ब्रांच नहीं जाना पड़े, तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप यहाँ पर विदाउट ब्रांच विजिट जो पहला ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं हो, सिर्फ ऑनलाइन हमारा फॉर्म फिल हो जाए और KYC करने के लिए मुझे ब्रांच जाना हो, तो इसके लिए आप ये दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको एक बार ब्रांच जाना पड़ेगा। तो अगर आप ब्रांच विजिट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही हमारा अकाउंट ओपन हो जाए, तो यहाँ पर विदाउट ब्रांच विजिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट है, जो सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। नीचे में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन का और दूसरा मिलेगा रिज्यूम एप्लीकेशन का। अगर मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पहली बार आए हैं अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। लेकिन मान लीजिए आपने पहले भी कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अकाउंट ओपन करने की कोशिश की थी, आपने कुछ एप्लीकेशन फिल करके बीच में छोड़ दिया था, तो यहाँ पर आपको रिज्यूम एप्लीकेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपको वे इन्फॉर्मेशन फिर से फिल नहीं करने होंगे, आपने जहाँ से भी छोड़ा हुआ था आप उसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर आप पहली बार आए हैं अकाउंट ओपन करने के लिए तो यहाँ पर स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस बॉक्स में टिक लगा करके इसे एक्सेप्ट करेंगे, टिक मार्क करेंगे और नीचे में आपको नेक्स्ट का आइकॉन मिलेगा, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, जो भी मोबाइल नंबर अपने अकाउंट के साथ आप लिंक करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं, अपना एक ईमेल आईडी यहां पर एंटर करेंगे और इसके बाद नीचे में आपको नेक्स्ट का आइकॉन मिलेगा, यहां से नेक्स्ट करेंगे। आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहां पर आपको फिर से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेंगे। इस बॉक्स में आपको टिक मार्क करना है और नीचे में नेक्स्ट का आइकॉन मिलेगा, यहां से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे, यहां पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। जो भी आपका आधार नंबर होगा यहां पर एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए एक OTP कोड सेंड की जाएगी। जो भी OTP कोड आएगा अपना OTP कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है ऑटोमेटिकली, जो अकाउंट ओपन करने के लिए इंपोर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे में आपको नेक्स्ट का आइकॉन मिलेगा, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड के नंबर एंटर करना होगा। जो भी आपका पैन कार्ड के नंबर होंगे यहाँ पे एंटर करेंगे। अगले पेज पर आएंगे, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड पर्सन है, स्टूडेंट है आप, वे आप सेलेक्ट करेंगे। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहां तक पढ़े हुए हैं, वे आपको सेलेक्ट करना है। आपका कास्ट क्या है, कास्ट सेलेक्ट करेंगे। आपका रिलीजन टाइप क्या है, अपना रिलीजन टाइप सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में आपको यहां पर नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आता है, क्या आप अपने इस अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। आप अगले पेज पर आएंगे, आपको अपना डेबिट कार्ड पर क्या नेम प्रिंट करवाना है, अपना नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप यहाँ पर नेम एंटर नहीं करते हैं तो जो आपके आधार कार्ड पर नेम होते हैं वही आपके डेबिट कार्ड पर एंटर हो जाता है। इसके बाद लास्ट में आपको वीडियो KYC करनी होती है। वीडियो KYC वाले पेज पर आएंगे, यहाँ पर स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगा जाएगा, जैसे कि लोकेशन का, माइक्रोफोन का, कैमरा का, आप इसे परमिशन को अलाउ करेंगे। आपको यहाँ पर बताए जाएंगे कि वीडियो KYC करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए।
आप जहाँ पर भी रह करके वीडियो केवाईसी करेंगे वहाँ पर लाइटिंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए। साथ में आपके पास फिजिकल पेन कार्ड होना चाहिए, एक ब्लैंक पेपर सादा पेपर आपके पास होना चाहिए और एक पेन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पर वीडियो केवाईसी को स्टार्ट करेंगे, आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ जाएंगे। आपको अपना ओरिजिनल पेन कार्ड दिखाने हैं उन्हें, साथ में एक ब्लैंक पेपर पर आपको सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं। इजिली आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी आपका अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होते हैं आपको 24 आवर वेट करना है, आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ में आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दिए होते हैं उस पर भी आपका जो अकाउंट ओपन हुआ है उसका कन्फर्म आपको मैसेज आ जाता है और आपको अपने अकाउंट के भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो भी आपका चेकबुक होता है, ये चेकबुक आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है, 15 डेज के अंदर में आपके एड्रेस पर आ जाएंगे। साथ में ये जो डेबिट कार्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये भी आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पासबुक नहीं दी जाएगी, लेकिन आप पासबुक ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो आपका जिस भी ब्रांच में अकाउंट ओपन होता है, आपने जो भी ब्रांच को सिलेक्ट की होगी उस ब्रांच में विजिट करके आप कभी भी पासबुक फ्री में ले सकते हैं, इसका आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ली जाएगी। जैसे ही आपके पास डेबिट कार्ड आ जाता है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग आप पहली बार कैसे यूज करेंगे, कैसे आप मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करेंगे, ये सारी चीजें के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में आप कोई भी UPI ऐप यूज करना चाहें तो वो सब भी आप कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।